आजकल ऑनलाइन के दौर में बिजनेस भी ऑनलाइन हो गए हैं और कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एड्स का सहारा लेती हैं और कई बार ये ऑनलाइन एड्स काफ़ी इरिटेट करते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। आपने ये फील भी किया होगा और कई बार तो ऐसे एड्स देखने को मिलते हैं जो आप नहीं चाहते कि वो आपके ऑफिस, कंपनीज, स्कूल, कॉलेज या घर के किसी डिवाइस पर दिखें। वैसे तो एड्स को ब्लॉक करने के कई तरीके हैं, पर आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोडक्ट को शेयर करने वाला हूँ जो कि एड्स, ट्रैकर्स और अनचाहे कॉन्टेंट को आपके डिवाइस पर ब्लॉक करके आपके इंटरनेट के ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचीव यूट्यूब चैनल पाई होल। इसके ऊपर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे कि इसको कैसे सेटअप करके यूज़ करते हैं, कैसे रसबरी पाई की मदद से एक नेटवर्क लेवल एड ब्लॉकर बनाया जा सकता है जो कि एड्स, ट्रैकर और अनचाहे कंटेंट को आपके डिवाइस पर पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ेगी और ब्राउजिंग स्पीड भी तेज होगी। आज मैं आपको एक पोर्टेबल पाई होल प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको आप बस कुछ बटन प्रेस करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जिसमें कि मैंने रेसबेरी पाई 0W के साथ ये ओलिड पाई हेड का यूज़ किया है, जिसका यूज़ करके आप अपने नेटवर्क या डिवाइस पर अनचाहे एड्स को ब्लॉक करके अपनी फेवरेट वेबसाइट या ब्लॉग्स आदि पर बेहतर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और आप इस पाई होल को बस इन बटन्स के द्वारा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके अंदर कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप पाई होल सेटिंग पर जाकर वेब एडमिन पैनल के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, एड ब्लॉकर को इनेबल कर सकते हैं या उसको डिसेबल कर सकते हैं, पाई होल को अपडेट कर सकते हैं, पाई होल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको और भी कई ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि मेमोरी कितनी यूज़ हो गई है, डिस्क स्पेस कितनी यूज़ हो गई है, डिवाइस का टेम्परेचर कितना है, पाई होल की आईपी क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी कई सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि आप सॉलिड स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं, इस GUI को रीस्टार्ट कर सकते हैं या सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कई सारे कमांड्स इसके अंदर मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप इसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि आप इसके द्वारा कैसे एड्स को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैंने पाई होल को अपनी डिवाइस पर सेटअप किया हुआ है और मैंने यहाँ पर एड ब्लॉकर को इनेबल कर दिया है। और अभी मैं अपने सिस्टम पर कोई भी वेबसाइट ब्राउज करूँगा तो उस पर आने वाले एड्स ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एड शो नहीं हो रहा, मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर कोई भी एड नहीं आ रहा है। ये सारे एड्स पाई होल के द्वारा ब्लॉक किए जा रहे हैं। आप इसकी इन्फॉर्मेशन इसके एडमिन पैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसके डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी क्वेरीज आई, कितने एड्स ब्लॉक हुए, वो पूरे नंबर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अभी आपको इसको कंट्रोल करने के लिए बार बार एडमिन पैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं एड ब्लॉकर को डिसेबल करना चाहता हूँ, तो आप इसी डिवाइस से इजीली एड ब्लॉकर को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अभी यहाँ पर एड ब्लॉकर को डिसेबल कर दिया है और अभी यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट को ब्राउज करूँगा तो यहाँ पर एड्स वापस से आने लग जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस वेबसाइट को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्स वापस से आ गए हैं। तो आप इस तरह से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसी डिवाइस से ही पाई होल को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि आप पैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एड ब्लॉकर डिसेबल हो चुका है, तो ये पूरा यहीं से ही कंट्रोल हो रहा है। आप चाहें तो इसको यहीं से अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें अपडेट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो अभी आप इसको अपने किसी भी डिवाइस या राउटर पर सेटअप कर सकते हैं, फिर उस डिवाइस या नेटवर्क पर एड्स ब्लॉक हो जाएंगे। इसका सेटअप करने के लिए आपको उस राउटर या डिवाइस पर पाई होल की आईपी को DNS पर सेट करना होगा। जैसे कि मैंने अपने इस डिवाइस पर DNS के अंदर पाई होल की आईपी डाली हुई है। आप इस आईपी की इन्फॉर्मेशन भी इसी डिवाइस पर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी आईपी है, यही आईपी आपको आपकी डिवाइस की DNS या राउटर के DNS पर सेट करनी होगी, उसके बाद उस नेटवर्क या डिवाइस पर एड्स ब्लॉक हो जाएंगे। अभी आपका एक पोर्टेबल नेटवर्क लेवल एड ब्लॉकर बन चुका है जिसको आप इजीली यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए मैंने यहाँ पर रेसबेरी पाई 0W का यूज़ किया है, जिसमें कि मैंने पाई होल को सेटअप किया हुआ है और इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये ओलिड स्क्रीन हेड का यूज़ किया है, जिसमें कि कुछ कंट्रोल बटन्स हैं जिसके द्वारा मैं इसको इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि अभी अपने डेमो के अंदर देखा। इसी के साथ हमें जरूरत पड़ेगी ये माइक्रो SD कार्ड और ये माइक्रो USB केबल की। आप चाहें तो इसके साथ पोर्टेबल बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में पूरी विस्तार जानकारी चाहते हैं कि इसको मैंने कैसे सेटअप किया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपका भी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन वेबसाइट पर अपनी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो डाली हुई हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।
और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।